अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डेलीशियस सी मटन हलीम की रेसिपी, जो बहुत आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे किसी और मीट के साथ भी बना सकते हैं, सारे स्टेप्स यही होंगे, सिर्फ मीट चेंज हो जाएगा। आप घर पे जब बनाते हैं तो ये ज़्यादा हेल्दी भी बनता है। आप अपने जो आपके घर में जितना तेल वगैरह खाया जाता है मसाले, आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं उसे, और ये ज़्यादा डिलीशियस बनता है, ज़्यादा हाइजीनिक भी होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने चार तरह की दालें ली थी, चना, चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल और माश की दाल, और इसके अलावा मैंने ब्रोकन व्हीट ले लिया था, जिसे दलिया कहते हैं, गेहूं का चूर वो, और बार्ली जिसे जौ कहते हैं। मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह पहले वॉश किया, उसके बाद इसे ओवरनाइट मैंने सोक कर दिया है। इसे कम से कम 8 से 10 घंटे ज़रूर पानी में सोक करना होता है, ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। और ये देख सकते हैं, ये ग्लास है, मैंने इसमें से छोटे से ग्लास है ये, तो जो भी मेजर आप जिससे भी मेजर करेंगे, कप हो या ग्लास हो या स्पून जो भी होगा, तो पहले मैंने एक ग्लास ले लिया था ब्रोकन व्हीट जो दलिया होता है, और एक ही ग्लास मैंने ले लिया था बार्ली जौ, ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में थी, और मैंने हाफ ग्लास ले लिया था चने की दाल, और 1/4 ग्लास जो है हाफ का हाफ, वो फिर मैंने सारी दालें ली थी, मसूर की दाल, मूंग की दाल और माश की दाल, और इन सबको वॉश कर लिया था। दाल बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है, और एक दफ़ा फिर इसका पानी मैं फेंक इसका पानी चेंज करूँगी और इसे रख दूँगी, बाद में मैं इसे बॉयल करूँगी। तो ये गोश्त है, मैंने वरन 1/2 kg यहाँ पे मटन मीट ले लिया है, और मीट जो भी लें आप विद फैट लेंगे तो आपका हलीम ज़्यादा टेस्टी बनेगा, क्योंकि दाल जो होती है ये काफ़ी रूखी होती है, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता, तो इसलिए हमें ज़्यादा ऑयल घी या फिर गोश्त जो भी लेते हैं उसमें फैट के साथ ही हम यूज़ करेंगे, तो हलीम हमारी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैं प्रेशर कुक करूँगी ताकि जल्दी से बन जाए। तो कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया है, आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं घी और ऑयल दोनों मिला के बनाऊँगी, मैं बाद में तड़के में घी यूज़ करूँगी। तो ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा, फिर इसमें मैं कुछ साबुत मसाले डालूंगी, जिसमें 1.5 टीस्पून शाही ज़ीरा है, ये हरी इलायची है, काली इलायची, बादियान का फूल, तेज़पत्ता, सिनेमन स्टिक्स और लौंग है। तो ये इन सारी चीज़ों को जब हमारा ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे। तो ऑयल गर्म हो चुका है अच्छी तरह, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें क्रैकल हो रही हैं। अब इसके साथ ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो मैंने यहाँ 3 बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइस करके डाल दिया है, और प्याज को भी हम फ्राई कर लेते हैं। जब प्याज का कलर चेंज होने लगेगा, इसका कलर गोल्डन हो जाएगा प्याज का, फिर मैं इसमें मीट डाल दूंगी, और मीट के साथ ही साथ फिर इसमें सारे मसाले डालेंगे। प्याज फ्राई हो चुका था, फिर मैंने इसमें डाल दिया है ये मीट, सारा मीट डाल दिया, और साथ ही मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल दिया था। और अब इसे अच्छी तरह हम कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेते हैं मीट को, ताकि मीट का जो कलर है वो चेंज हो जाए, और साथ ही साथ मटन भी भुनता जाएगा, इसका कच्चापन भी ख़त्म होगा, और इसमें हम मसाले भी ऐड करेंगे। तो अब सबसे पहले मैं धनिया डाल देती हूँ, ड्राई मसालों में धनिया मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 2 टेबल स्पून, मिर्चें डाल दूंगी, मिर्च जितना आपको डालना हो, जितना आप खाते हैं तीखा उतना ही डालिएगा। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून लिया है मिर्चें, और 1 टेबल स्पून हल्दी डाल दी है, क्योंकि इसमें मसाले इसलिए ज़्यादा जाएंगे क्योंकि बाद में मैं सारे दालों के साथ भी गोश्त को मिक्स करूँगी। फिर साथ में नमक डाल दिया है, और ये हमारा गर्म मसाला पाउडर है जो हलीम का मसाला है। आप चाहें तो बाहर वाला जो रेडीमेड मसाला आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट तो होता है जब आप घर पे बनाएं तो। तो ये घर का मेरा बना हुआ गर्म मसाला वो मैंने डाल दिया, नमक भी डाल दिया था, और अब इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह भून लेंगे, सारे मसाले और गोश्त साथ ही साथ भूनते जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं पानी भी इसका, मटन का जो है वो ड्राई होने लगा है, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह भून रही हैं, ऑयल भी ऊपर आने लगा है। जब गोश्त और सारे मसालों से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, फिर इसमें हम पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद प्रेशर कुकर का लिड मैं कवर करूँगी, और इसे गोश्त को अच्छा बिल्कुल सॉफ्ट होने तक मैं इसे कुक कर लूँगी। तो यहाँ पे पानी डाल के मैंने गला लिया, तो गोश्त को आप देख सकते हैं यहाँ पे गोश्त बहुत अच्छी तरह गल चुका है,
और ऑयल भी काफ़ी ऊपर आ गया है क्योंकि जितना भी फैट था वो सब मेल्ट हो गया है यहाँ पे। तो अब हम गोश्त को एक बड़े से पतीले में रख देंगे और हम सेम कुकर को यूज़ करेंगे दाल गलाने के लिए। तो यहाँ पे दाल, जितनी भी दाल भिगी हुई थी, दाल और दलिया, जो भी चीज़ें थी, उन सबको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया, पानी डाल दिया। पानी ज़्यादा यूज़ होगा इसमें तो अच्छी तरह दाल को कवर कर देना है। दाल जितना भी हम डालेंगे उसका डबल आप पानी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें नमक डाला है, हल्दी डालूंगी, तेज़पत्ते डाले हैं, बस इतने ही मसाले डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम कुकर का लिड वापस से कवर करके इसे हम अच्छी तरह सॉफ्ट होने तक कुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो आप किसी भी चीज़ से, आप प्लेंटिंग जार में भी इसे डाल करके हल्का सा एक दो दफ़ा आप हल्का सा क्रश कर सकते हैं, या फिर हाथ से ये जो घोटते हैं, ये दाल घुटनी होती है या जो भी आप कहते हैं मथनी, तो उससे आप इस तरह कर लें तो बहुत अच्छा सा ये क्रश हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दाल भी बहुत अच्छी तरह में गल चुका था। फिर मैंने इसमें गोश्त के साथ, जो गोश्त को डाला था, ट्रांसफ़र किया था एक बड़े से पतीले में, मैंने उसमें ही दाल डाल दिया है। और अब इन दोनों चीज़ों को, दाल और गोश्त को, हम अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। तो हम मथनी के ही हेल्प से इसे अच्छी तरह मैश करते जाएंगे। और यहाँ पे सीजनिंग वगैरह अब आप चेक कर सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। पानी भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है, गर्म पानी, क्योंकि काफ़ी थिक थिक सी थी ये दाल। और अभी इसे मैं दोनों को मिला करके, दोनों को मैं घोटते हुए इसे अच्छी तरह कुक करूँगी लो फ्लेम पे। तो मैंने नमक डाला है, मुझे नमक थोड़ा कम लगा। और मैंने फिर हलीम का मसाला डाल दिया, ये जो घर का बना हुआ गर्म मसाला होता है वो मैंने डाला है। और इन सबको हम अच्छी तरह मिक्स करते हुए 15 से 20 मिनट तक हम लो फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक करेंगे। यहाँ पे अच्छी तरह हमारा बहुत अच्छी तरह कुक हो चुका था, खुशबू भी आने लगी और हमारा गोश्त जो है वो भी बिल्कुल रिश रिश से होने लगे हैं गोश्त के अलग अलग से। फिर मैंने इसमें डाल दिया था जुलियन कट अदरक और इसमें अब एक तड़का लगाऊंगी प्याज का। तो प्याज हमारी ऑलरेडी फ्राइड थी, मैंने पहले से करके रखा हुआ था, सिर्फ एक दफ़ा और मैं घी में डाल दूंगी ताकि ये थोड़ी और क्रिस्पी सी हो जाए। तो मैंने घी को गर्म किया था, एक कप घी डाल दिया था और उसमें प्याज डाल दी हुई, तली हुई प्याज मैंने डाल दी है। प्याज आपको जितनी भी पसंद हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी घी और प्याज दोनों ही डालूंगी। घी भी आप अपनी मर्जी से जितना आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये जो मीट था काफ़ी फैटी था और फिर ऑयल भी मैंने डाला था। तो यहाँ पे हमारा हलीम बिल्कुल तैयार हो चुका है सर्व करने के लिए। अब इसे आप जैसे भी सर्व करना चाहे, इंडिविजुअल प्लेट पे सर्व करें या फिर आप बड़े से सर्विंग बोल में भी इसे डिश आउट कर सकते हैं। और ऊपर से फिर आप इसे घी और तली हुई प्याज डाल दीजिए, अदरक, थोड़ा सा जुलियन कट अदरक डालेंगे, कुछ हरी मिर्ची डाल देंगे चॉप की हुई मिर्ची, अगर आपको पसंद है तो थोड़ी ऊपर से डाल दें, बहुत मज़े का लगता है। और हरा धनिया भी डाल देंगे हम, और इसे हम गार्निश करेंगे लेमन वेजेस से और इसका थोड़ा सा लेमन जूस भी इसमें स्क्वीज करेंगे। और अब ये गर्मा गर्म हलीम आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आए।